कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्र से हॉस्टल में रैगिंग करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कृषि स्नातक के प्रथम वर्ष के साथ कृषि स्नातक के सातवें सेमेस्टर के छात्रों ने रैगिंग की, तो जूनियर छात्र ने विरोध किया तो सीनियर ने उसे पहले लात घूंसों से पीटा और उसके बाद चाकू से हमला बोल दिया। और आपको बता दें कि खून निकलता देख सीनियर छात्र घबरा गए और मौके से भाग निकले। तो रैगिंग का ये मामला सामने आया है। कानपुर के कृषि विद्यालय का ये मामला जहां रैगिंग का विरोध करने पर छात्र पर सीनियर छात्र ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद छात्र लहूलुहान हो गया। छात्र को लहूलुहान देखने पर सीनियर छात्र घबरा गए और मौके से फरार हो गए। तो सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की और छात्र को चाकू मारकर लहूलुहान किया। लेकिन कल एक सीएसएस एक छात्र द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई पुलिस को नवाबगंज थाने को, उसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 323, 504, 506 धारा 21 में, और इसकी एक जांच जो है रजिस्ट्रार सीएसएस भी कर रहे हैं और पुलिस द्वारा भी अगर विवेचना के क्रम में अगर रैगिंग की कोई बात आती है तो उस आधार पर जो है वो धारा की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रथम दृष्टया छात्र ने आरोप लगाया है रैगिंग का, प्रथम दृष्टया लगाया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, रैगिंग का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई? बिल्कुल, चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय के कानपुर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ हॉस्टल में रैगिंग करने का मामला सामने आया, जिसमें जानकारी के मुताबिक अगर बात करी जाए तो पीड़ित छात्र ने अपने सीनियर जो छात्र हैं सातवें सेमेस्टर के, उनके खिलाफ जो है नवाबगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी जितने भी लोगों के नाम दिए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही। वहीं एडीसीपी आरती सिंह का कहना है कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब जांच की जा रही है। वहीं हॉस्टल के जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल नितिन, जांच तो की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए सीएसए प्रशासन का इस घटना पर क्या कुछ कहना है? देखिए, चंद्रशेखर कृषि विद्यालय के अगर प्रशासन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रशासन का कहना यह है कि पूरे मामले में जितने भी छात्र हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासन जो कृषि विद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अब मामले की जांच कर रहे हैं, वहीं पीड़ित से भी पूछताछ कर रहे हैं। शुक्रिया नितिन जानकारी देने के लिए। तो मामला सीएसए का है, कानपुर से ये मामला जहां रैगिंग किया मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र की रैगिंग करते हुए बता दें कि छात्र को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया।